और रेक्स मॉर्गन का ही इज द फाउंडर ऑफ फॉरएवर लिविंग, ये कहते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इलनेस इन द वर्ल्ड इज एन एम्प्टी वॉलेट। इंसान की जिंदगी जो है ना, वही चीजों पे मुनासिर है, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और उसके पास वेल्थ होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो आप एक अच्छी और एक प्रॉस्परस लाइफ नहीं गुजार सकते। तो फॉरएवर लिविंग इन्हीं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए बनाई गई थी। असल में जो एक एम्प्टी वॉलेट होता है ना, वो सिर्फ आपके जिस्म को ही बीमार नहीं करता, आपके पास पैसे नहीं होते इलाज करने के लिए, लेकिन वो आपकी रूह को, आपकी सोच को भी बीमार कर देता है और गुर्बत की वजह से काफी ज्यादा करप्शन भी देखने में आती है। सो दैट इज वाई यहाँ पर ऑनेस्ट लिविंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है कि अगर एक आसान रोजगार किसी को फराहम कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एक गलत रास्ते पर जाने से बच सकता है। सो दिस इज द होल आइडियोलॉजी बिहाइंड फॉरएवर लिविंग, क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेस सिर्फ दो ही चीजों के ऊपर बेस करता है, या तो वो प्रोडक्ट बेस्ड होता है या फिर वो सर्विस बेस्ड होता है। चाहे आप प्रोडक्ट में डील कर रहे हो या सर्विस में डील कर रहे हो, आपने सेल ही करनी होती है, और यही हलाल बिजनेस का तरीका भी है, या इसको आप सादा अल्फाज में तिजारत भी कह सकते हैं, यानी चीजों की या सर्विसेज की खरीदो फरोख्त या लेन देन। सो सेल्स का वर्ड मैंने यूज किया तो क्योंकि हम 21st सेंचुरी बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं, तो अब गुजरते वक्त के साथ साथ सेल्स ने भी अपनी शक्ल तब्दील कर ली है। सेल्स इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग एनीमोर, बल्कि यहाँ पर जब आप किसी को अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा मैटर करता है आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग। अगर आपने अच्छे से एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया हुआ तो आपके ऊपर ना ही कोई ट्रस्ट करेगा, ना ही कोई आपसे जुड़ना चाहेगा। तो आज के दौर में जब आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं या मार्केट करते हैं, आपका फोकस होना चाहिए कि अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट किस तरह विन किया जाए, और ये आप कर सकते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करके, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करके। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अपनी टारगेट ऑडियंस को पास ऑन करेंगे, उतना ही जल्दी वो आप पे भरोसा कर पाएंगे और आप अपना बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। ऑनलाइन बिजनेस में स्पेशली ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि आजकल हर कोई ही ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है। आप उन तमाम लोगों में मुनफरिद किस तरह नजर आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्रू ट्रस्ट बिल्डिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये तमाम स्किल्स आपको थ्रू ट्रेनिंग सिखाए जाएंगे। सो जैसा कि मैंने कहा कि सेल्स इज जस्ट नॉट अबाउट सेलिंग, इट इज अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट। तो ये काम तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। हमें कोई भी चीज अगर अच्छी लगती है, हमको पसंद आती है, हम जरूर उसको अपने सर्कल में शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपने मूवी देखी है अच्छी सी, या आपके दर्जी ने बड़े जबरदस्त कपड़े सिए हैं, या फिर आप किसी डॉक्टर के इलाज से फाइनली सेटिस्फाई हो गए हो, तो आप जरूर पूछने वालों को, या अगर कोई आपसे ना भी पूछे, आप बातों बातों में उनको जरूर बताएंगे। और यूं आपने बातों बातों में हो सकता है उस टेलर को 5-6 कस्टमर्स प्रोवाइड कर दिए हो। तो यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि आपने मूवी थिएटर का टिकट सेल नहीं किया, आपने उनको रेकमेंड किया और लोगों ने आपकी रेकमेंडेशन सुनी भी। क्यों? क्योंकि वो आपको बचपन से जानते हैं, वो आप पे भरोसा करते हैं, आपने उनको एजुकेट किया कि भाई ये मूवी क्यों अच्छी है, ये मूवी बच्चों के लिए सूटेबल है क्योंकि इसमें वायलेंस नहीं है। आपने कुछ डिटेल्स उनको बताई, उस पर वो कन्विंस हुए और वो आपके कहने पर मूवी देखने चले गए। सो ये पूरा एक प्रोसेस है जो आप लोग जाने अनजाने में कर ही रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम ये बात कर लें कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल, आप जो है कैटेगरी नंबर वन है, यानी कि आप दूसरे लोगों की, उनके बिजनेसेस की फ्री में प्रमोशन करते आ रहे हैं सारी जिंदगी। अब आप अगर इस बिजनेस में आ जाते हैं तो आप कैटेगरी टू में फॉल होंगे, यानी कि यही प्रमोशन, यही मार्केटिंग जो आप लोगों की फ्री में कर रहे थे, अब आप पेड प्रमोशन करेंगे। और पे कौन करेगा आपको? आपको पे करेगी फॉरएवर लिविंग After you become an official distributor. तो I hope थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि आपने हमारी product और हमारे business को किस तरह लोगों को recommend करना है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी details के लिए आपको हमारा पूरा जो business cycle है उसको break कर देती हूँ into 4 steps. तो सबसे पहले हमारा जो business cycle start होता है, जो बहुत important है, वो है use the product. ये इसलिए ताकि आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाए। मूवी की ही अगर मैं मिसाल लूँ, अगर वो मूवी आपने देखी ही नहीं होगी तो आप किस तरह लोगों को कन्विंस करेंगे? अगर आप ये कहते हैं कि हाँ फला मूवी जाके देख लो, यार मैंने तो नहीं देखी लेकिन हाँ मैंने सुना है कि बड़ी अच्छी है, तो शायद ही आपके कहने पे कोई मूवी देखने जाए। इसलिए आपको प्रोडक्ट को खुद यूज करना, उसको एक्सपीरियंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी ये इस बिजनेस में नहीं, अगर कॉमन सेंस की बात है, कोई भी कारोबार अगर आप स्टार्ट करने जाते हैं, अगर आप किसी कपड़े की दुकान खोलने जा रहे हैं तो उस कपड़े को आप यकीनन पहन के उसको टच करके फील करके देखना चाहेंगे, उसको 10 बार धो के देखना चाहेंगे, और ताकि आप लोगों को बता सकें कि भाई इसको मैंने 10 बार धोया है और ये देखिए इसकी क्वालिटी वैसी की वैसी है। तो उसके लिए प्रोडक्ट को यूज करना इंतहाई जरूरी है। सेकेंड स्टेप है शेयर द प्रोडक्ट।
जैसे अभी मैंने इतनी डिटेल में समझाया कि जब आप एक्सपीरियंस ले लेंगे उस प्रोडक्ट का तो फिर आप उसको शेयर करना स्टार्ट करेंगे। या हम डिजिटल बिजनेस की बात कर रहे हैं, इसलिए ये शेयरिंग आपने सोशल मीडिया के थ्रू करनी है, जिस तरह डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉकर्स करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट उनको दी जाती है वो उसका रिव्यू देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसी तरह लोग उनसे कनेक्ट होते हैं और उस प्रोडक्ट को वो खुद भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही काम आपने भी करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा, बिल्ड अ टीम। यानी कि प्रोडक्ट तो आपने शेयर कर ही दी, लेकिन ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो हम अभी आपको बता रहे हैं, आपने उन लोगों को अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी, आपके बिजनेस पार्टनर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जहां बहुत से रीजंस की वजह से प्रेफरेबल है और मोस्ट इजी टू स्टार्ट है, वहीं पे एक और फैक्टर ये भी आ जाता है कि जिस तरह दूसरे नॉर्मल बिजनेसेस में जब आपको बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, आपको इम्प्लॉयज हायर करने होते हैं, वो इम्प्लॉयज एक्चुअली आपका एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि हर महीने आपने उनकी सैलरी भी देनी है, सैलरी देंगे तो वो आपके लिए काम करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एम्प्लॉयज नहीं, आप बिजनेस पार्टनर्स के थ्रू अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। और मजे की बात ये कि हर बिजनेस पार्टनर एक्चुअली आपके लिए काम नहीं कर रहा, वो खुद अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए काम कर रहा है, लिहाजा वो फुल सिंसियरिटी के साथ, फुल ऑनेस्टी के साथ काम करेगा अपने लिए, आप उसको सिखाएंगे और इस तरह आपको भी फायदा मिलेगा और आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये है आपका फोर्थ स्टेप ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि कोच योर टीम। जो स्किल्स आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी टीम ज्वाइन करते हैं, जो स्किल्स एज अ नेटवर्क मार्केटर मैं आपको दूंगी, वही स्किल्स आपने अपनी टीम में भी बिल्ड करने हैं। जब आपकी टीम इस काबिल हो जाएगी कि वो अपना बिजनेस जनरेट करना स्टार्ट कर दे, दैट इज फ्रॉम वेयर यू कैन गेट पैसिव इनकम। और याद होगा आपको कल जो हमने जिक्र किया था कि कंपाउंडिंग अफेक्ट, दिस इज द फोर्थ स्टेप एक्चुअली, जहां से नेटवर्क मार्केटिंग का कंपाउंडिंग अफेक्ट स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद की कहानी आपको पता है कि विद इन द नेक्स्ट 5 years आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। हमारे जो मनी मेकिंग एक्टिविटीज हैं वो एक्चुअली है स्टेप 2, 3 एंड 4।